आज मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाने जा रहा हूँ आपके फरमाइश पे। आप लोग बोल रहे थे मिलेट का पराठा बनाइए, वेजिटेबल इसको अच्छे से निडल करना है और इसको क्या करना है। नमस्कार, मेरा नाम सैफ साजन है, आप देखना शुरू कर रहे हैं नेशनपुर। आज मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाने जा रहा हूँ आपके फरमाइश पे। आप लोग बोल रहे थे मिलेट का पराठा बनाइए और अभी विंटर है, विंटर में बहुत सारे वेजिटेबल और लेथी वेजिटेबल दोनों ही मिल जाता है बहुत ही आसान तरीके से। आज मैं गया था हमारा किचन गार्डन, वहाँ से मेरे को धनिया मिला, पालक मिला, गाजर मिला और तो और कॉलीफ्लावर मिला। ये सब को लेके मैं आज एक मिलेट का पराठा बना रहा हूँ ज्वार का। आपको तो पता है ज्वार हमारे लिए कितना बेनिफिट है, जैसे कि एक ग्लूटेन फ्री है, हाई प्रोटीन है, हाई फाइबर है और ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट इसमें छुपा हुआ है। तो ज्वार मिलेट आप ज़रूर लीजिए। मैं देरी ना करके बनाने जा रहा हूँ ज्वार पराठा, लेकिन आपसे गुजारिश है अगर आप हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले आगे बहुत सारे रेसिपी और मिलेट का रेसिपी आपको मिल जाए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बनाने, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं यहाँ पे ज्वार आटा एक कप लूँगा और यहाँ पे जितना सारा वेजिटेबल है मैं उसको वाश करके अच्छे से चॉप कर लिया हूँ और किसी को भी ग्रेट कर लिया। तो यहाँ पे ऐड करेंगे पालक और मेरे पास है कॉलीफ्लावर, इसको भी ऐड करेंगे। कद्दूकस किया हुआ गाजर, इसको भी ऐड कर देते हैं और ये मेरे पास है ग्रीन चिली, इसको भी ऐड करते हैं और धनिया चॉप किया हूँ इसको भी इसमें डालते हैं। और क्या करेंगे, हमारे पास है ओनियन, ओनियन को भी चॉप किया हूँ और इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास है अजवाइन है, अजवाइन को जब भी आप डालते हैं पराठा हो या रोटी हो तो उस अच्छे से मसल देना ताकि उसका फ्लेवर अच्छा आ जाए, और थोड़ा से ब्लैक पेपर। ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा से पिंच ऑफ हल्दी का पाउडर और थोड़ा से हिमालय सॉल्ट। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, मतलब अच्छे से इसको मिक्स करना है, पानी ज़्यादा नहीं देने का, क्योंकि इसमें क्या होता है नमक डालने के बाद वेजिटेबल धीरे धीरे पानी छोड़ेगा, तो इसी के वजह से मैं पानी यहाँ कम दिया हूँ। इसको अच्छे से निडल करना है ताकि ये एक अच्छा डो बन जाएगा। ठीक है, अभी ये हमारा डो बन गया है। तो इसको क्या करेंगे, एक वेट कपड़ा लेंगे, ये भीगा हुआ कपड़ा है और इसको मैं कवर करके कम से कम एक घंटे से ऊपर रखता हूँ, आप दो घंटा भी रख सकते हैं। आफ्टर वन आवर यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए कितना सॉफ्ट बन गया है, अगर मैं पानी ज़्यादा डालता तो मेरा क्या होता, और भी ये लिक्विड हो जाता। ठीक है, तो पानी सिर्फ ना के बराबर डालिए और अभी छोटा छोटा डो करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्या करना है, एक क्लॉथ लेना है, ये भीगा हुआ क्लॉथ है और क्लॉथ के ऊपर ये डो रखना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, पानी थोड़ा सा हाथ में लेना है और इसको धीरे धीरे स्प्रेड करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप धीरे धीरे कीजिए तो आराम से बन के तैयार हो जाएगा। ये मेरा बन के तैयार है, तो चलिए इसको तावा में डालते हैं। मेरा तावा पहले से गर्म था, यहाँ पे कास्ट आयरन का तावा मैं यूज कर रहा हूँ और ऊपर से क्या करेंगे, थोड़ा से इसको फोक में ऐसे कर देंगे ताकि हमारा अंदर तक पक जाए। एक साइड हो गया है, एक साइड होने के बाद मैं क्या करूँगा, दूसरे साइड इसको फ्लिप कर दूंगा। ठीक है, और दूसरे साइड भी सेम फोर्क से इसको थोड़ा से प्रेस कर देंगे। ठीक है, अभी दूसरे साइड भी मेरा रेडी है, तो क्या करना है, इसको ऊपर से थोड़ा घी लगाएंगे ताकि हम लोग पराठा बनाएंगे, तो इसलिए मैं घी थोड़ा अच्छे से लगा रहा हूँ, बोथ साइड दोनों साइड लगा रहा हूँ और फिर मेरा ये पराठा बन के तैयार हो गया। ठीक है, बाकी का जो डो है मैं उसको बना देता हूँ। ठीक है, और मैं पीनट और कोरिएंडर चटनी बना रहा हूँ, इसके लिए मैं पहले से धनिया पत्ता धो के यहाँ पे साफ करके धो के रखा हूँ और रोस्ट पीनट करके मैं यहाँ पे रख, तो चलिए बनाते हैं। पहले पीनट लेंगे और फिर क्या करेंगे, हमारे पास है कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ता, इसको भी इसमें ऐड करेंगे। और क्या करेंगे, मेरे पास है गार्लिक्स,
इसको भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ग्रीन चिली, आपके स्पाइसी के हिसाब से आप लीजिए कितना आपको लेना है ग्रीन चिली, और उसमें थोड़ा से लेमन जूस, ठीक है, और क्या करेंगे थोड़ा से सॉल्ट टू टेस्ट। आप यहाँ पे ऑयल भी डाल सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो, आप आपके हिसाब से डाल सकते। सर्दी के मौसम में ये चटनी तो हमारे घर में ज़रूर बनता है, क्योंकि मेरी बीबी हैं वो वीक में एक बार या दो बार ज़रूर बनाते हैं, और पीनट सर्दी के मौसम में खाना भी ज़रूरी है। तो आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलना। और ये बन के तैयार है हमारा, अभी सर्व करेंगे। पराठा हमारा रेडी है और चटनी भी रेडी है। बन के तैयार है हमारा जवार पराठा। ऐसे ही हेल्दी टेस्टी और ग्लूटेन फ्री रेसिपी देखने के लिए आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी जवार का रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट लगा दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तब तक के लिए बनाइए, खाइए और हेल्दी रहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं तो जा रहा हूँ भाई खाने, मिलते हैं।